वेलकम बैक एवरीवन इन क्लास 7 यू नो वेरी वेल चैप्टर नंबर 4 रेशनल नंबर्स इज गोइंग सो टुडे वी विल डिस्कस ए न्यू एक्सरसाइज 4D एंड फर्स्टली सी द क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ तो आप मिला क्या फाइंड करना है एडिटिव इनवर्स तो फर्स्ट इज सी द फर्स्ट सो आपके पास नंबर क्या है आपके पास 5 या गिवन बेटा आपको नंबर 5 आपको इसके लिए एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो आप लिखोगे बेटा द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 इज क्या हो जाएगा बेटा एडिटिव इनवर्स जब हम लिखते हैं तो ये क्या है हमारा एक पॉजिटिव नंबर है इसमें एक पॉजिटिव नंबर है पॉजिटिव नंबर का जब हम एडिटिव इनवर्स लिखेंगे तो ऑलवेज क्या आएगा नेगेटिव नंबर आएगा तो आप क्या लिखेंगे -5 क्या लिखेंगे बेटा -5 समझ गए बेटा आप क्या करना है कि जो पॉजिटिव नंबर गिवन है आपके पास उसका जब आप एडिटिव इनवर्स लिखेंगे तो उसे आप नेगेटिव लिखेंगे क्या लिखेंगे नेगेटिव क्लियर बेटा Now next is third part and third is 3/14 3/14 के लिए बेटा इसके लिए आपको ऐसे चीज करना है द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/14 इज 3/14 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा विद नेगेटिव साइन मींस -3/14 -3/14 क्लियर बेटा नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 6th पार्ट -18/-30 -18/-30 क्लियर बेटा सो द एडिटिव इनवर्स ऑफ -18/-30 इज बेटा माइनस यहां पर है माइनस यहां पर है माइनस से माइनस कट हो जाएगा मींस माइनस से माइनस रिमूव हो सकता है जब माइनस से माइनस रिमूव हो जाएगा तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो ये पॉजिटिव है तो इसका क्या लिखेंगे बेटा हम लिखेंगे -18/30 मींस नेगेटिव क्लियर बेटा ये क्या आएगा -18/30 एक बार फिर से रिवाइज करें बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स आपको एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है इसके लिए तो आपने लिखा द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 इज -5 नेगेटिव आ जाएगा बेटा 3/14 द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/14 इज -3/14 एंड हियर -18/-30 तो आपने लिखा द एडिटिव इनवर्स ऑफ -18/30 क्लियर बेटा एंड नेक्स्ट पार्ट देखो बेटा इसी में एंड नेक्स्ट पार्ट इज 8th पार्ट 8th पार्ट में आपको की देने बेटा 1/-6 मेन जो की देने है वो क्या है एक नेगेटिव रेशनल नंबर क्या है बेटा एक नेगेटिव रेशनल नंबर इसके लिए क्या करना है आपको एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो आप लिखोगे बेटा द the additive inverse of 1/-6 is बेटा देखो ये क्या है नेगेटिव रेशनल नंबर है आपको क्या करना है इसमें कन्वर्ट करना है पॉजिटिव में आप लिखेंगे 1/6 जस्ट 1/6 तो जो नेगेटिव रेशनल नंबर है उसका हो जाएगा पॉजिटिव रेशनल नंबर जो बेटा पॉजिटिव होगा उसका हो जाएगा नेगेटिव रेशनल नंबर एवरीवन क्लियर बेटा नाउ आफ्टर दिस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा सो क्वेश्चन नंबर 2 इज सबट्रैक्ट क्या करना है आपको सबट्रैक्ट करना है तो सबट्रैक्ट मींस बेटा माइनस दिस साइन ओके सबट्रैक्ट मींस माइनस क्या करना है आपको माइनस करना है सबट्रैक्ट करना ओके
फर्स्ट पार्ट देखिएगा 3/4 फ्रॉम 1/3 3/4 from 1/3 आपको 3/4 को फ्रॉम 1/3 से माइनस करना है। क्लियर बेटा, ये फर्स्ट बेस नंबर है और ये क्या आपके पास सेकंड है, तो आपको सेकंड से फर्स्ट को माइनस करना है। क्लियर ना, तो किस टाइप से करेंगे बेटा देखिए, आपको क्या करना है जो सेकंड है क्या फर्स्ट में इस टाइप से लिखेंगे 1/3 एंड देन माइनस लिखेंगे बेटा ये यहां पर लिखेंगे सेकंड में। ओके, आपको क्या करना है 1/3 देन माइनस 3/4। क्लियर, देन आप देख पा रहे हैं बेटा डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट डिनोमिनेटर क्या है आपके, डिफरेंट सेम तो नहीं है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे आप दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे, क्या करेंगे एलसीएम, आप इस टाइप से लिख सकते हैं बेटा एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 इज 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा बेटा 12। इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं आप, इस टाइप लाइक दिस इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं बेटा। देखो 3 एज इट इज 2 टू द 4 बेटा 3 एज इट इज एंड 2 वन जा 2 एंड 3 वन जा 3। क्लियर बेटा, 3 + 6 = 12 आपका एलसीएम क्या आ गया 12। क्लियर है यहां तक, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज सो आपने एलसीएम टेक किया 12। ओके, सो आप देख रहे हैं सर 3 4 = 12 सो 1 × 4 एज इट इज 4 3 = 12 सो 3 × 3। ओके, 3 की टेबल्स में 12 कितने टाइम्स आ रहा है 4 टाइम्स, तो आपने क्या किया 4 से मल्टीप्लाई किया एंड यहां पर 4 की टेबल में 4 3 = 12 सो आपने किसे किया 3 से किया, तो बेटा 4 × 4 एज इट इज 3 3 = 9 और 12। क्लियर बेटा, एंड 9 - 4 तो 9 ग्रेटर है और ये क्या है नेगेटिव साइन के साथ है, तो 9 - 4 हो जाएगा आपके पास -5/12। तो यही बेटा आपका रिक्वायरमेंट। क्लियर ना, नाउ आफ्टर दिस सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड पार्ट देखिए बेटा एंड थर्ड पार्ट इज -8/9 एंड फ्रॉम -3/5। क्लियर बेटा, सो सी देखिए ये -8/9 है फ्रॉम -3/5, तो आपको क्या करना है -3/5 से इसे माइनस करना है, तो आप किस टाइप से लिखेंगे देखिए बेटा यहां पर -3/5 एज इट इज बेटा देन माइनस साइन इन ब्रैकेट्स में ब्रैकेट में लिखते ही करना है आपको -8/9 क्योंकि यहां पे क्या है माइनस साइन। ओके, सो बेटा -3/5 एज इट इज then minus and minus plus 8/9 okay then LCM of 5 and 9 is 45 LCM क्या है दोनों का 45 so 45 as it is बेटा 5 9 जब 45 so multiply by 9 and 9 5 जब 45 so multiply by 5, clear? 9 3 is 27 and 5 8 is 40, 5 8 is 40 upon 45 then beta minus कीजिए 0 से 7 होंगे नहीं आप carry ले लेंगे यहाँ पर so 10 minus 7 just 3 and here 3 minus 2 just 1 so your required answer is -13/45 and 13/45 is the requires. Clear beta? Now after this see the next part. Next part dekhiye beta. -18/11 from 1. आपको 1 से subtract करना है, 1 से आपको सबट्रैक्ट करना है किसे -18/11। क्लियर बेटा, सो आप कैसे लिखेंगे 1 माइनस एंड -18/11 1 माइनस -18/11। क्लियर बेटा, सो माइनस साइन एज इट इज
sorry, 1 as it is, minus and minus plus. एटीन अपॉन इलेवन. देखिए बेटा कैसे करना है. इलेवन बन जा इलेवन एंड एटीन एज इट इज अपॉन इलेवन. क्लियर. तो आप देख रहे हैं सर, एट प्लस वन नाइन एंड वन प्लस वन टू, तो 29 अपॉन इलेवन इज द राइट आंसर. ओके वंस अगेन, माइनस 18 अपॉन इलेवन फ्रॉम वन, वन से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस 18 अपॉन इलेवन. तो आपने क्या लिखा, वन माइनस माइनस 18 अपॉन इलेवन एज इट इज. ओके माइनस एंड माइनस प्लस बेटा 18 अपॉन इलेवन एज इट इज, या 11 बन जाए 11 प्लस 18, आपने वो प्लस किया 29 अपॉन 11. क्लियर बेटा. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज माइनस 32 अपॉन 13 फ्रॉम माइनस 6 अपॉन 3, माइनस 6 अपॉन 3. क्लियर बेटा. तो माइनस 6 अपॉन 3 फर्स्ट टेक करेंगे आप, देन माइनस साइन एंड माइनस 32 अपॉन 13, माइनस 32 अपॉन 13. क्लियर बेटा. एंड दिस इज माइनस 6 अपॉन 5, सॉरी ये क्या है आपके पास, माइनस 6 अपॉन 5. इसे देखिए माइनस 32 अपॉन 13 फ्रॉम माइनस 6 अपॉन 5. ओके तो माइनस 6 अपॉन 5 एज इट इज बेटा, माइनस एंड माइनस प्लस 32 अपॉन 13 एंड एलसीएम ऑफ 5 एंड 13 इज 65. तो 65 बेटा एज इट इज, 5 के अपने कितने टाइम्स आएगा, 13 टाइम्स एंड 13 के अपने में 5. ओके बेटा देन 6 3 जा 18, 6 3 जा 6 एंड 1 7, 13 6 जा 78, 5 2 जा 10, 5 2 जा 15 एंड 1 16. ओके देन बेटा माइनस करेंगे लेकिन तो बेटा 10 से 8 माइनस नहीं हो गया, तो सॉरी 1 कैरी लेंगे आप, 10 10 में से 2 माइनस करेंगे आप 2 एंड हियर 15 15 माइनस 7 जस्ट 8, तो 82 अपॉन 65 इज द रिक्वायर्ड आंसर. सो दैट इज स्टूडेंट्स एवरी क्लियर दिस क्वेश्चन. नाउ आफ्टर दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. बेटा क्वेश्चन नंबर 3 इज इवैल्यूएट एंड फर्स्ट पार्ट 3 अपॉन 4 एंड माइनस 4 अपॉन 5. 3 अपॉन 4 एंड माइनस 4 अपॉन 5. सो डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, डिनोमिनेटर क्या है बोलोगे डिफरेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द एलसीएम, एलसीएम ऑफ 4 एंड 5 इज 20. बेटा टेक द एलसीएम 20, 4 5 का 20, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 5 4 का 20, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 4. बेटा 5 3 का 15 एंड 4 4 का 16 अपॉन 20 एलसीएम. क्लियर बेटा. फिर से रिवाइज करें, 3 अपॉन 4 माइनस 4 अपॉन 5. ओके सो एलसीएम ऑफ 4 एंड 5 इज 20. बेटा 4 5 का 20, सो मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 5 4 का 20, सो मल्टीप्लाई बाय 3 5 का 15, 4 4 का 16. तो बेटा आप माइनस करते हैं 16 से 15, तो माइनस 1 अपॉन 20 इज द रिक्वायर. क्लियर स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट इज 7 अपॉन 24 एंड माइनस 19 अपॉन 36. 7 अपॉन 24 एंड माइनस 19 अपॉन 36. बेटा एलसीएम of 24 and 36 is how much? 72. कितना होगा? 72. कैसे फाइंड करेंगे बेटा? देखिए आप. जो टू नंबर्स दिए ने आपको, वो दोनों किससे टू से डिविजिबल है? तो 2 बन जा 2 2 जा 4 एंड 2 बन जा 2 8 जा 16. देन अगेन टू से करें बेटा 2 6 जा 2 9. देन बेटा 2 3 जा देन बेटा फिर से करें 3 3 1 जा एंड 3 3 जा देन 3 से करें बेटा 3 1 जा 3
वन जाए। ठीक है बेटा, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट थ्री जा 24, 24 थ्री जा 72। सो एलसीएम ऑफ 24 एंड 36 इज 72। ठीक है बेटा, सो वी टेक द एलसीएम, एलसीएम टेक करते हैं बेटा। सो बेटा 72 एज इट इज, सो बेटा 24 थ्री जा 72 सो मल्टीप्लाई बाय 3, 36 टू जा 72 सो मल्टीप्लाई बाय 2, 7 थ्री जा 21 माइनस 19 टू जा 38। ओके, एंड 72 एज इट इज। माइनस कितनी बेटा, 8 माइनस 1 जस्ट 7, 3 माइनस 2 जस्ट 1, सो माइनस 17 अपॉन 72 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर बेटा? नाउ आफ्टर दिस इज द नेक्स्ट पार्ट, एंड नेक्स्ट पार्ट इज 4 अपॉन 9 एंड माइनस 2 अपॉन माइनस 3। क्लियर बेटा? 4 अपॉन 9 एंड माइनस 2 अपॉन माइनस 3। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 माइनस एंड माइनस प्लस 2 अपॉन 9 एंड एलसीएम ऑफ 9 एंड 3 इज 9। बेटा 9 को या 9 से मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 3 3 जा 9 से मल्टीप्लाई बाय 3। सो बेटा 4 को जा 4 एज इट इज, 2 इन 3 2 जा 6 अपॉन 9। बेटा 4 प्लस 6 इज 10 अपॉन 9। एवरीवन के लिए बेटा, दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे बेटा, थैंक यू।